एकदम कशाबा। गाइज नेक्स्ट डे है और अभी आज हसनैन की आमीन है, हसनैन मेरे खाला का बेटा है और अभी हम जा रहे हैं उधर नानों के घर। यहाँ मामू के घर से सुबह उठे, नाश्ता किया, तैयार हुए और अब हम जा रहे हैं। यकीन जाने भाई जिस तरह अल्लाह की किताब अल्लाह का कुरान जो हमेशा हमेशा साजना मरने तो बाद इस काम सकून का काम असा नहीं कई दरवाजा खोलो अते दरवाजा खोलो ते दरवाजा खोलो ना आंख ना दा दरवाजा दा दरवाजा दरवाजा खोलो ना आंख ना दा 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 ना दा दा दरवाजा दा दा। गाइस सख्त नींद आ रही है, सब कुछ हो गया है और दा चादल तर आवाज़ है और अब हम जा रहे हैं। सोमा ने अपना कुछ शूट करना है अपने किड्स कलेक्शन का, तो चाबी मैंने ले लिया बाबा जान से और नींद आ रही है। ऐसे खड़ी है गाड़ी, मैं कहाँ से बैठूँ, मतलब वो तो दूसरे दरवाजे से आती हूँ। चलो बैठो। गाइस हमारी मॉडल जो है वो सो गई है जिसका हमने शूट करना था। मैम छोड़ दो बस, अभी सोने दो इसको जब तक हम नहीं पहुंचते। गाइस हम आ गए, मैरिया टाउन आए हैं हम अटक में और यहाँ पर अभी हम शूट करेंगे इन बच्चों का। सोमा ने अपने कुछ ड्रेसेस की शूट करने हैं, फिर हम दोबारा घर जाएंगे और फिर हम इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे, घर वापस जाएंगे फिर बस। और अभी हम यहाँ पर आए हैं, बहुत सख्त नींद आ रही है, बहुत सख्त नींद आ रही है, मैं बता नहीं सकती। सुबह की उठी हुई हूँ, रात को लेट भी सोई थी। बस सोमा चरते उधर यार चरता हो का बस शूट, उठ जाओ चलो शूट करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम पार्क में आए हैं, देखो पीछे देखो मुड़ के, पीछे मुड़ के, वाह देखना मेरी नापी कैसे करी है। फिर तो एक हमारी मॉडल ये है, चलो मेरी इनका तो फिर शूट स्टार्ट करो ना जल्दी से। तो हो गया ना आप लोग के साथ प्रैंक, बन गए ना आप लोग बेवकूफ़। आप लोग को क्या लगा कि मेरी कोई मंगनी हो गई है, दुआए खैर हो गई है, ऐसे ही लगा था ना। ऐसे ही यूट्यूबर्स आप लोग को बेवकूफ़ बनाते, ऐसे ही थंबनेल्स लगा कर। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बना लूँ, मैं भी ट्राई कर लूँ और आप लोग बन भी गए बेवकूफ़। खैर अब आप लोग दुआ करें कि सच में मेरी कोई मंगनी हो जाए, कोई लड़का ढूँढ लो तुम लोग मेरे लिए, मैं भी असली की इंगेजमेंट करूँ और फिर मैं भी असली का व्लॉग डाल दूँ। अभी मेरे कराटे क्लास में 2 घंटे हैं और 2 घंटे पहले मुझे ओट्स खाने होते हैं क्योंकि अगर मैं और कुछ खाती हूँ तो उल्टी आती है। उन्होंने मेरे सर ने कहा कि तुम ओट्स खा लिया करो, ठीक है, फिर से वेट भी गेन होता है। मैं वेट गेन करना चाहती हूँ और अगर आप लोग को पता है कि वेट गेन करने के लिए क्या मतलब अच्छी चीज़ है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, क्योंकि मैं अशद ज़रूरत है मुझे वेट गेन करने की, क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ यार, मतलब मुझे खुद भी फील होता है यार हूँ, मतलब तुम लोग भी कहते हो लेकिन मैं हूँ सच में हूँ। खैर अगर आप लोग को पता है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्यों अब कराटे करती हूँ तो उसके साथ साथ मेरा वेट और भी लूज़ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी एक दिन ये सच्चा मैं वेट ही गेन कर लूँ।
और अब यार मेरा वेट 55 तो होना ही चाहिए, और अभी जितना है वो मैं नहीं बताऊँ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।